अब मैं बोलूंगी ना तो बोलोगी कि बोलती क्या हुआ अगर अयान तुमसे नाराज है? और कौन सा तुम्हारी लड़ाई पहली बार हो रही है? तुम फिक्र मत करो, सच में अयान मान जाएगा। मेरी रानी, अब तुम अपने निकाह के बारे में सोचना शुरू कर दो। देखो जल्द ही अयान का तलाक हो जाएगा, उसके बाद तुम दोनों के निकाह में कोई अड़चन नहीं। ये हुई ना बात? मेरा आपको अपना जरा सा भी ख्याल नहीं है ना? जी फुलझड़ी जल जाती ना अगर, तो चिंगारी से पूरा चेहरा जल जाता तुम्हारा। अरे जो होता मुझे होता, आपको उससे क्या? मुझे उससे क्या? हाँ मुझे उससे क्या? आपकी समझ में मेरा गुस्सा कभी नहीं आएगा। एक मिनट, आप ऐसा कीजिए, अगर आपको ऐसी सेंटी बातें करनी ना तो प्लीज कहीं और जाके करिए, यहाँ मेरे साथ मत करिए, क्योंकि आज दिवाली है, मैं बच्चों के साथ दिवाली मनाना चाहता हूँ। प्लीज आप मुझसे कब तक नाराज रहेंगे? मैं आपको मना के ही रहूंगी। जी पहुंच रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ बस। ठीक है, भाभी जी भी आ रही है ना? आप किस तरह के वालिद हैं राशिद? आपने हमारे बेटे के साथ ऐसा होने कैसे दिया राशिद? इससे ज्यादा बेइज्जती किसी की और क्या हो सकती है? उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए वो नहीं आ पाई। लेकिन देखो ना, इस बार लेट हो गई, दिवाली कल थी और आज जा रही हूँ। गाड़ी रोकना, एक मिनट गाड़ी रोको। ये तो शायद राशिद की गाड़ी है। आई कॉल यू बैक। राशिद, 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 क्या हुआ? उठिए राशिद, कोई है? चलिए अम्मी, हम लोग चलते हैं। हाँ बेटा, तुम लोग खुशी खुशी जाओ। आप रो क्यों रहे? वो हमारे रिश्तेदारी में खालू थे, अल्लाह उनकी रूह को जन्नत अता फरमाए। हाँ मी, ऐसे में आपका अकेले रहना सही नहीं है। मी हम एक काम करते हैं, हम वहां पर कल चले जाएंगे। जी हाँ ये ठीक है। डॉक्टर क्या हुआ बताइए ना। नर्स कॉल द हॉस्पिटल, उनको बोलिए कि इमरजेंसी रूम तैयार करें। इमरजेंसी रूम? डॉक्टर साहब क्या हुआ, क्या है इन्हें? खुदा के लिए मुझे कुछ तो बताइए, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर इनके बचने के चांस बहुत ही कम है। अल्लाह, तुम तो इस घर की बहू हो, इस घर के लिए जो सोचोगी अच्छा ही सोचोगी ना। बेटा एक काम करना, अपने अब्बू से ना 25 लाख रुपए ले आना। क्या 25 लाख? अरे मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो फरहान है ना, उसके काम में कुछ तंगी चल रही है, इसीलिए वो बेचारा हनीमून पे भी नहीं जा रहा था। क्या करे, खुददार माँ का खुददार बेटा जो है, इसीलिए वो किसी से नहीं कह पाया। अब ये देखिए, पहचानिए जरा। वेट रुपया। हो गई आपकी दिवाली गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन की सेशन कंप्लीट? आर यू ओके पुप्पी? क्या हुआ मम्मी? पुप्पी क्या हुआ, क्या बात? क्या